हेलो स्टूडेंट्स uh, इस वीडियो में मैं मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस को बताऊंगी एक्सप्लेन करूंगी ये चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है प्रदीप पब्लिकेशन की बुक में है क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री में तो उस सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें थैंक थैंक यू नाउ लेट्स स्टार्ट मिक्सचर मिक्सचर पहले एक एक पॉइंट्स करके पढ़ा जाएगा ओके द कॉन्स्टूट ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो तो मिक्सचर का जो कॉन्स्टूंट है मतलब कि जिनसे मिलके मिक्सचर बनता है पार्ट्स उसके जैसे कि ये मिला वो मिला मतलब कि एक एक कंपाउंड्स मान कंपाउंड्स नहीं एक एक मटेरियल मिला के हम लोग सब्सटेंस मिला के मिक्सचर बना रहे हैं तो so, वो कोई भी रेशियो में हम लोग उसको मिक्स कर सकते हैं बट जो कॉन्स्टूंट ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो फिक्स्ड रेशियो और एनी रेशियो ये मेन पॉइंट है ठीक है फिक्स्ड रेशियो बाय मास मास के फिक्स्ड रेशियो में ये मिक्स होता है आ, रहते हैं इसके कॉन्स्टेंट और इसके कोई भी रेशियो में रहते हैं कॉन्स्टुंट मिक्सचर मे बी मे नॉट बी होमोजेनस इन नेचर तो मिक्सचर क्या है होमोजेनस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन जो कंपाउंड्स है ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर तो ये मे बी और मे नॉट बी होगा और ये आर ऑलवेज होमोजेनस ओके प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर मिड वे बिटवीन दूस ऑफ इट्स कॉन्स्टूंट एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ द कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट ऑफ़ दूस ऑफ इट्स कॉन्स्टूंट तो मिक्सचर में जो है बोला गया है कि जो इसका कॉन्स्टूंट है उसकी प्रॉपर्टी और जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है उसी के आसपास लगभग बराबर ही एक ही जैसी होती है लेकिन कंपाउंड्स में क्या है जो इसके कॉम का प्रॉपर्टीज़ है उस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की एकदम अलग होती है जैसे कि वाटर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था Uh, वो सही रहेगा अगर आप लोगों ने कंपाउंड ऑफ मिक्सचर के मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप वो भी जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में ओके फोर्थ पॉइंट द कॉन्स्टिटुएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजली सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मींस कॉन्स्टूंट ऑफ अ कंपाउंड्स कैन नॉट बी इजली सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स एनर्जी इन the फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज given often required रिक्वायर्ड तो ये जो बोला है मिक्सचर के जो कॉन्स्टूंट है सिंपल मैकेनिकल मीन से मतलब कि सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस से उसको हम लोग अलग कर सकते हैं लेकिन जो कंपाउंड्स के हैं वो इस नॉर्मल मैकेनिकल मेथड्स वगैरह या प्रोसेस से नहीं अलग हो सकते हैं इसमें हीट लाइट्स की रिक्वायरमेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी किस फॉर्म में हीट लाइट या कोई भी कोई भी फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ये हो सकती है सिंपल मैकेनिकल मीन मीन से सेपरेट uh, लेकिन ये नहीं होती इसमें एनर्जी की यूज होता है तो मिक्सचर आर फिफ्थ पॉइंट द मिक्सचर आर फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ़ फिजिकल चेंज एंड द कम्पाउंड आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज मिक्सचर जो है ना फिजिकल चेंज के ही न, का ही रिजल्ट है लेकिन कंपाउंड्स जो है वो केमिकल चेंज का रिजल्ट बनता है जैसे कि केमिकल चेंज अगर कोई सब्सटेंस को मिला के केमिकली चेंज कुछ हो रहा है उन लोगों के बीच में तो उससे कंपाउंड बनता है लेकिन फिजिकल चेंज मिक्सचर में क्या है जो फिजिकल चेंज होते हैं तो उससे मिक्सचर बनता है वैन <coughs>

एब्जॉर्ब या एवोल्यूट होते हैं एब्जॉर्ब या एवोल्यूशन होता है इन लोगों का इसमें नहीं होता है इसमें होता है एंड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अक्सचर आर यूजली नॉट साफ केमिकल कंपाउंड पॉजिट साफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर हैं उन सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट साफ नहीं होते हैं मतलब कि फिक्सड नहीं होते हैं कह सकते हैं आप लेकिन जो uh, केमिकल कंपाउंडस होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत साफ होते हैं जैसे कि एक फिक्स रहेगा ये वीडियो ख़त्म हो गया है अब आप नेक्स्ट वीडियो जाके आप देख सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा थैंक यू